जिंदा इंसान को सुकून ना मिले तो ना मिले, लेकिन जब मरने के बाद भी सुकून ना मिले तो आप क्या कहेंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी और न्यायधानी भी कहलाता है, ऐसे जबलपुर ज़िले के सिहोरा से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कि सिहोरा के वार्ड नंबर 9 के रहने वाले पिक्कूलाल गौडिया, जो कि 70 वर्षीय, जिनका निधन हो जाता है, और जब निधन के बाद तमाम जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, परिजन हैं, जब एकत्रित होते हैं और उनकी अंतिम यात्रा के लिए तैयारियां की जाती हैं, तो देखा जाता है कि जहां पर शमशान घाट है और शमशान घाट में मृतक की अंतिम यात्रा ले जानी है, अर्थी ले जाने के लिए जैसे तैसे परिजन और आसपास के लोग जद्दोजहद करके कीचड़ और दलदल भरे रास्ते से शमशान घाट तो पहुँच जाते हैं, लेकिन बारिश के चलते वहाँ पर अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। और जो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो परिजनों को और आसपास पड़ोस के जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, उन्हें तिरपाल यानी कि एक पन्नी लगाकर मृतक का अंतिम संस्कार करना पड़ा। बेहद ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और साफ तौर पर सिस्टम की जो पोल है वो भी खोलती हैं कि सिस्टम के लोग जो जिम्मेदार हैं वो कितने बेपरवाह हैं और किस तरह का विकास जबलपुर ज़िले में हो रहा है। साफ तौर पर सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी पोल भी साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख कर खुल जाती है कि आखिर जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जन्म से लेकर इंसान की मृत्यु तक का जिम्मा बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन करने की जो बात कहती है, लेकिन जब जीवन के बाद इंसान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उसे सदगति प्राप्त नहीं हो पा रही, अच्छे से उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमने जब जबलपुर ज़िले की सिहोरा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की तो उनका क्या जवाब है वो भी सुन लेते हैं। तो वास्तव में इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी और बहुत ही दुखद, इस बात से मैं भी दुखित रहा कि बारिश के समय तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए, और इसकी जानकारी मिलते ही मैं संबंधित ठेकेदार को पता किया और उसमें कार्य स्वीकृत था और संबंधित ठेकेदार को बोला कि भाई आप तत्काल निर्माण कार्य इसका पूर्ण करें। उनके द्वारा कहा गया कि सर बारिश के कारण अभी ये कार्य बंद था, बारिश समाप्त होते ही इसमें टीन शेड में लगा दूंगा। तो सुना आपने कि नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हैं लक्ष्मण सिंह चारस, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ठेकेदार को ठेका दिया गया था लेकिन उसने समय पर काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने सिर्फ इस बात से अपनी आप संतुष्टि कर ली कि हमने ठेकेदार को बोल दिया है जल्द ही काम चालू हो जाएगा और शमशान घाट में टीन सेट बना दिया जाएगा। पूरे मामले पर हमने जबलपुर ज़िले की अपर कलेक्टर मीसा सिंह, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, नगरीय प्रशासन विभाग के परियोजना अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं बेहद ही मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और तमाम जो विकास के दावे मध्य प्रदेश सरकार करे, प्रशासन के अधिकारी करें, उन तमाम दावों की पोल खोलती साफ तौर पर ये तस्वीर नज़र आती है। और देखना यह होगा कि कब तक जबलपुर के सिहोरा नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में, जहां पर दो वार्डों के लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं, वहां पर कब टीन सेट का निर्माण होता है और क्या आगे जो लोग जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी अर्थी और अंतिम संस्कार के लिए वहाँ ले जाया जाता है, उन्हें सुविधापूर्वक वह क्रिया अंतिम क्रियाकर्म करना मुनासिब होगा या फिर आगे भी ये हालात इसी तरह बने रहेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।